जय हिंद एवरीवन, कैसा? बढ़िया। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आ रहा होगा या ऐसे ही, तो मैनेज कर लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है, पर्सनल पे भी बहुत सारा डाउट आता है और वैसे भी आता है। पहले मैं कट ऑफ पे बहुत वीडियोस बनाता था। पहले क्या मतलब, पहले क्या ऐसे, पहले रिक्रूटमेंट प्रीवियस टाइम कितना गया था, एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, पहले भी वही चीज़ बोलता था कि एग्ज़ाम के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक कमेंट आया, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रहा होगा तो मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मैं अपने सबसे पुराने, जिससे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, वो फ़ोन मैंने सेव रखा, किसी को दिया भी नहीं। उसी उसी फ़ोन से फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। वॉइस नहीं अच्छी आ रही होगी, कैमरा क्वालिटी नहीं सही होगी, वॉइस लेकिन आ रही होगी ये मुझे पता है, और मैं अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा। देखो मैं बता देता हूँ, जो कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर उनको मैं बता दूँ, एयरपोस्ट या नेवी दोनों एग्ज़ाम के बारे में। नेवी पे सेक्शनल कट ऑफ जाता है, दोनों एग्ज़ाम के लिए 50% कर लो, 50% स्कोर कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। पर्सनली इस बार 50% का मतलब, नेवी में 100 में से 50 नंबर ले आओ, एयरफोर्स में 70 में से 35 ले आओ, या फिर आपका बात कर लेता हूँ 50 में से 30 ले आओ। रागा में 25 में नहीं होगा, रागा में 25 में नहीं होगा, क्योंकि रागा में रीजनिंग आता है, और रीजनिंग जो नहीं पढ़ा होता है ना, उसने भी 10 नंबर बना देने होते हैं। तो इस वजह से रागा पे इतना कर लो, और बाकी मैं कट ऑफ का कुछ भी नहीं बोलूँगा, पेपर के बेसिस पे होता है। आप प्रीवियस टाइम का देखना चाहो तो मैंने पिछली बार वाला वीडियो शेयर कर दिया है, पिछले लगभग 8 बार का, 2016 से जब से कट ऑफ बना है वो टेलीग्राम पे शेयर किया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, कि पिछले 8 बार का जो कट ऑफ किया, इनिशियल कट ऑफ लाइक पिछली बार जैसे 28 नंबर इनिशियल एक्स ग्रुप में 28 नंबर ले आते तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए जाने को मिलता है, वैसे ही इस बार भी मेरा टारगेट है 35 नंबर का एक फाइनल टारगेट रखो, 35 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। और लास्ट टाइम के कंपटीशन, इस बार कंपटीशन भी काफी कम कम कट ऑफ जा सकता है वो, लेकिन पेपर के बेसिस पे होता है, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाते रहो ज्यादा से ज्यादा। और अभी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिनकी थोड़ी भी प्रिपरेशन है ना, मतलब जिनकी नहीं है वो तो फिर अपना कुछ भी करो, उनका तो कोई कोई वो ही नहीं है, जो मेहनत करेंगे डेफिनेटली उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए एक मेरा सजेशन है, जो अपना पढ़ाई कर रहे हो भाई, अभी क्या करो, डेली कम से कम 2 मॉक लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं परीक्षा ऐप रिकमेंड करता हूँ, बेहतर आप सभी के लिए। जैसे बहुत लड़के बोलते रहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का कुछ भी किसी क्रिटिसाइज नहीं करना होता मुझे, जहाँ बेहतर लगे आप करिए। ठीक है, अगर कोई भी परीक्षा एप्लीकेशन पर लगाना चाहता है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है वहाँ पर, मैंने अपने टाइम पर वहाँ पर लगाया। ठीक है, और एक कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर सकते हो, उससे छूट मिल जाएगी 50% की। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया है, 20 टेस्ट है, एग्जाम रिलेवेंट है, प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरा कहने का मतलब, जब उस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे काफी मतलब फायदा होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पेशली वाई ग्रुप के कैंडिडेट। अब जब आप रागा सेक्शन बिना प्रैक्टिस के करोगे ना, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे। मैं एक्स ग्रुप वालों के लिए भी यही सेम टू सेम होगा, मैथ्स जब आपको 20 मिनट, क्योंकि आपको पूरे का पूरा टाइम नहीं मिलता कि भैया 60 मिनट मिलता है 70 क्वेश्चन करने के लिए, इंग्लिश के लिए 20 मिनट अलग मिलेंगे, रागा के लिए आपका 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए अलग मिलेंगे, और वहीं फिजिक्स के लिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अलग, मैथ्स के लिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए अलग मिलेंगे। नहीं पता है तो बता देता हूँ, साइड में ऊपर टाइम चलता होगा, तो ये चीज़ होती है। तो प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे भी कर सकते हो, परीक्षा पे लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखिए कट ऑफ वाली चीज़ों से बचिए। मेरा यही सजेशन था आपसे निकले। ठीक है, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कुछ ज़्यादा ही समस्या हुआ करे तो मेल कर दिया करो, और इंस्टाग्राम मैं चलाता नहीं हूँ तो मत आया करो, मैंने लिंक को आप हटा दिया। ठीक है, मतलब पहले चलाता था, बोलता था कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, कभी कभार चला जाता हूँ वहाँ पे, पिछले 1 महीने पहले गया था शायद, तो ऐसे ही। तो इन सब चीज़ों से बचो, माइंड डाइवर्ट होता है, जो पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, किसी भी एग्जाम में आप, किसी बहुत से एग्जाम होंगे, जैसे CGD का होगा, CRPF का भर्ती आगे, इन सभी एग्जाम अच्छे से दो। टेक केयर, जय हिंद भाई।